देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखिए क्या कहता है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस गिवन है हमें इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा पार्ट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। लेट्स सी, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका एरिया क्या है रजे, 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ आया। ब्रेथ ये है, लेंथ ये है, तो ब्रेथ को मैंने बी से डिनोट किया, लेंथ को मैंने एल से डिनोट किया। अंडरस्टैंड, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस इट ब्रेथ। अब ये समझना है हमें, हम कैसे करेंगे, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, लेट सॉल्यूशन करते हैं बेटा, क्या होगा। लेट हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, लेट जो हमारी ब्रेथ है उसको हमने क्या माना, बी एक्स, देन लेंथ क्या होगी एक्स। उसने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा, वन मोर देन यानी कि एक ज्यादा है, तो उसमें मैंने क्या प्लस किया, वन, एंड देन ट्वाइस इट ब्रेथ, एंड ट्वाइस यानी कि ब्रेथ से ट्वाइस है, तो मैंने ब्रेथ को यानी कि एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया रजे, टू से। क्लियर है। अब क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, तो एल हमारे पास क्या है, 2x+1, एंड बी हमारे पास क्या है, एक्स, देन एरिया क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप देखिए 2x को x से मल्टीप्लाई किया, देन 2x² + 1 को x से किया, x -528 = 0। तो ये जो है हमारी क्या आ गई रजे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर टू में पूछी गई थी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी नीड टू फाइंड लेंथ, हमें लेंथ फाइंड आउट करने की आवश्यकता है, और ब्रेथ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई हमारे पास, 2x² + x - 528 = 0। क्लियर है। अब देखिए क्या करते हैं हम, हमारे पास इक्वेशन है, अब 2 × 528 ये कितना हो गया, 1056, 1056। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, 16 × 2 = 32, 32 और 11 × 3 = 33। तो ये हमारे क्या बन गए बेटा, फैक्टर। तो यहां रिप्रेजेंट करें, 2x² + 33x - 32x - 528। अभी देखिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने निकाल के दिखा दिया, मैं रब कर रहा हूं इसे, फाइव टू एट इक्वल जीरो। अब यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 और 33 दोनों एक टेबल में नहीं आते, x है x है, तो यहां मैंने x कॉमन लिया, तो यहाँ 2x + 33 रह गया। अब यहां से 32 है, तो मैं क्या कॉमन लू यहां बेटा, 2x + 33। क्लियर है, x - 16 = 0, x = 16, और 2x + 33 = 0, 2x = -33, x = -33/2, ये वैल्यू आई। और
और ये वैल्यू आई। एक्स जो है हमारा वो नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखिए ब्रेथ हमने क्या मानी थी बेटा, बी को हमने क्या लेट किया था, एक्स, और एक्स हमारा कितना आया है 16। लेंथ को हमने क्या कंसिडर किया था 2x+1। देन सॉल्व करेंगे 2 × 16+1, 16 × 2 = 32, 33। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है, जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो मैंने निकाल दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब देखिए कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं जो एक के बाद आते हैं, एक जैसे कि 1 और 2, ये हमारे कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होंगे। जैसे मैंने 3 लिख दिया, ये 2 और 3 क्या होंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर इंटीजर्स। क्लियर है, ये समझ आ गया आपको? तो लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं पार्ट का। लेट टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इंटीजर सॉरी आ एक्स एंड x+1। अंडरस्टैंड दैट। अब इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 306, यानी कि x एंड x+1 का प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है 306। x को x से मल्टीप्लाई किया, x²(x-306=0। तो ये हमारे पास क्या आई बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, दिस इज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इंटीजर्स। ठीक है, 306। अब देखिए 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 और 17 जो है वो हमारे क्या बन गए, फैक्टर। देन हम यहाँ पुट करते हैं x²(18x-17x-306=0। यहां से कॉमन लेंगे x + 18 - 17 x + 18, तो x - 17 = 0, x = 17, एंड सेकंड है हमारा x + 18 = 0, तो x = -18। तो ये हमारा जो है वो नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था, एक को हमने x माना, तो x हमारा कितना आया बेटा 17। अंडरस्टैंड, और दूसरा क्या था x+1, इट मीन 17+1=18। तो ये हमारे दोनों के दोनों क्या मिल गए, इंटीजर्स। आई होप अंडरस्टैंड, समझ आ गया होगा। मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। देखिए हमारा जो पार्ट 3 है वो क्या कह रहा है बेटा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन से वो कितने साल बड़ी है, 26 साल। तो हम करते हैं प्रेजेंट की बात, रोहन्स मदर इज एंड रोहन सॉरी रोहन्स इज एंड रोहन्स मदर इज ये हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोहन की प्रेजेंट एज मैंने लेट करी क्या, एक्स। क्लियर है, रोहन की एज हमें पता नहीं है, वी डोंट नो। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लेट करा रजे, एक्स। अब उसने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो रोहन की एक्स अगर एज एक्स है तो अगर हम उसमें 26 ऐड कर देते हैं तो उसकी मदर की एज निकल आएगी ऑटोमेटिकली। यस, कहेंगे हाँ सर निकल आएगी, बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन निकलेगी कैसे, वो निकालते हैं ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन योर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल बाद, अब बात करते हैं 3 साल बाद की, रोहन की एज क्या हो जाएगी, एक्स थी पहले, अब 3 साल और बढ़ गए तो 3, और मदर की क्या हो जाएगी,
पहले क्या थी x प्लस 26, उसमें 3 ऐड करा तो क्या बनी वो x प्लस 29, और इन दोनों का जो है क्या है प्रोडक्ट, वो है वो क्या है 360, तो प्रोडक्ट करते हैं x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा 360। समझ आया इतना? अब देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई किया 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल 360। क्लियर है? एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x अब देखिए 360 ये प्लस का है माइनस 87 एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल 273 एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। इट इज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, सॉल्व कर रहे हैं, तो करें एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। अब हम प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 273 को, किसको 273 को प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं। क्लियर है? प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। आप देखिए 32 चाहिए, 13 3 जा 39 एंड 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। तो रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल 0। यहां से कॉमन लिया x, x प्लस 39, यहां से कॉमन लिया माइनस 7x प्लस 39, x माइनस 7 इक्वल 0, x बिकम 7 और x प्लस 39 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 39। जो एज है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगी, तो क्या हुई एज 7। तो देखिए यहां पे था ना रोहन की एज क्या थी x, तो रोहन क्या हुआ 7, उसकी मदर की एज क्या थी ये, तो 7 प्लस 26 क्या होगा 26 और 7 33। अंडरस्टैंड? मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। देखिए पार्ट 4 क्या कहता है बेटा, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ  480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड। तो क्या लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब देखिए जब हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। क्लियर है बेटा? अब हम क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, टाइम इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। क्लियर है? इतना समझ आया आपको? अब देखिए डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और टाइम कितना, स्पीड कितनी बेटा, उसको हमने क्या माना था x। ये समझ आया इतना कि पहले डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और हमने स्पीड को क्या कंसीडर किया है बेटा x, देन वी राइट हियर x, अंडरस्टैंड? नाउ वो क्या कहता है आगे, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अब जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर क्या हो गई लेस हो गई। क्लियर है? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब क्या कहते हैं 3 घंटे ज्यादा ले रहा है तो इक्वल में हमारे यहां क्या है बेटा टाइम, देन मैंने 3 आर यहां टाइम लिखा, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सेम डिस्टेंस
और स्पीड क्या हो रही है 8 किलोमीटर कम, तो x माइनस 8। इतना समझ आया आप लोगों को? क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं। देन वी डू फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, इट मींस आप एलसीएम कह सकते हैं, x को किया 480x माइनस 0, एट माइनस 480x इक्वल 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, एंड ये यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस 8। क्लियर है? अब देखो ध्यान से देखना बेटा क्या करते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देते हैं, माइनस 3840 इक्वल 3x को x से किया 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल 0। देन हम यहां से कॉमन लेंगे क्या रजे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3840 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 80। तो यहां आया हमारा 1280 इक्वल 0। तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन क्या बची बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आई बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल 0। यहां से फैक्टर बनाए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 32 और 40 फैक्टर आए, ठीक है। यहाँ कॉमन लिया x, तो यहाँ रह गया x माइनस 40, यहाँ प्लस 32 लिया तो x माइनस 40, x माइनस 40 x माइनस 32 इक्वल 0, तो x 40 और x माइनस 32 आया। अब देखिए यहाँ पे x जो है वो हमारा क्या आया बेटा, 40, और दूसरा हमारा क्या था x माइनस 8, तो 40 माइनस 8 इक्वल 32। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा 4.1 का सॉल्यूशन, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप मीड में से अगर कोई वीडियो देखते हैं तो आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस वीडियो से पहले, उस सॉल्यूशन से पहले आप उसका इंट्रो जरूर देखें। 4.1 का सॉल्यूशन देखने से पहले आप इंट्रो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।